नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। मैं अपने चैनल पर आपको पेड कोर्स वाला कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आप 700 से 800 1000 रुपये में प्रैक्टिस सेट लेते हैं, वही प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपने चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा जाए, अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आपका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका हिंदी के चैप्टर से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यानी हिंदी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे किसी भी चैप्टर से, उसका आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इन 37 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सही करके दिखाइएगा। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर अपने आप को और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो देखते हैं आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। प्रैक्टिस सेट पूरा करने का आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी स्पेशल 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 214। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कवियों का कवि, ये आपको बताना है। तो किस कवि को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दशरथ सुत तीनों लोक बखाना, राम नाम घर राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। तो ये किस रचनाकार की पंक्तियां, ये आपको बताना है कि दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये हैं कबीरदास की, किसकी, कबीरदास की हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रचना कबीरदास की पंक्तियों की है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो किसकी रचना है प्रेम सागर, ये आपको बताना है। तो किस लेखक की रचना है, तो प्रेम सागर है लल्लू लाल की रचना, किसकी, लल्लू लाल की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उर्वशी रचना है, वो तो बताइएगा कि उर्वशी किस कवि की रचना है। तो उर्वशी है, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर, किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ, आंखें दिखाना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है आंखें दिखाना, तो इसका अर्थ होता है क्रोध से देखना, क्या, क्रोध से देखना, ये इसका अर्थ होता है आंख दिखाना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अनार सौ बीमार, यह है एक है, तो यह क्या है कि एक अनार सौ बीमार, तो क्या है, तो ये है एक लोकोक्ति, क्या, ये लोकोक्ति है एक अनार सौ बीमार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई चरण के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं, तो इसके होती हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, कितनी, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई चरण के प्रत्येक छंद में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अतल अस्पताल तुम्हें जाने ना दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार, कि अतल अस्थल तुम्हें जाने ना दूंगा, तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, कौन सा अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है प्रतिदिन में, तो प्रतिदिन में समास है द्वंद्व समास, कौन सा, प्रतिदिन में द्वंद्व नहीं अव्ययीभाव समास है, प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि एक बार कही बात को दोहराते रहना, तो इसके लिए हो जाएगा एक शब्द पिट्ट पेषण, क्या, पिट्ट पेषण, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण नेपोलियन, तो ये है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। किसका? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? तो इसके भेद हैं तीन। कितने हैं? तीन है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो कितने माने जाते हैं हिंदी में कारक के विभक्तियों के सहित भेद? तो ये माने जाते हैं आठ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए कि इनमें से संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त क्रिया का उदाहरण कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। क्या? तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्न में से अव्यय है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा अव्यय है? तो कौन सा अव्यय? तो इनमें अव्यय है एक। क्या? एक ये अव्यय है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंगन का तत्सम है, तो कंगन शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो कंगन का तत्सम क्या होता है? तो कंगन का तत्सम होता है कंकड़। क्या? कंकड़ होता है कंगन का तत्सम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा तद्भव है? तो कौन सा है? तो इनमें से अंधेरा। कौन? अंधेरा ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा द्विगुण व्यंजन है? तो इनमें से जो इड़ा, ये इड़ा है, ये द्विगुण व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आई का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा उच्चारण स्थान है? ए तथा आई का, तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। कौन? कंठ तालु इसका उच्चारण स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महौषध का सही संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा महौषध का सही संधि विच्छेद? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस औसत। कौन सा? महा प्लस औसत इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्रीस में कौन सी संधि है? तो बताइए ग्रीस में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो कौन सी संधि है ग्रीस में, ये आपको बताना है। तो ग्रीस में है दीर्घ स्वर संधि। किसने? दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीस का संधि विच्छेद हो जाएगा गिर प्लस ईस। शुद्ध बर्तनी पहचानी है, तो आपको बताने क्वेश्चन नंबर 65 में किसकी बर्तनी शुद्ध लिखी गई है? तो किसकी लिखी है? तो इसमें जो अनुकूल है, कौन अनुकूल लिखा है, इसकी बर्तनी शुद्ध लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह छोटा कमरा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग है, तो बताइएगा मैं छोटा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो क्या है? तो क्या है? तो ये है पुल्लिंग। कौन सा? ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके ओठ खुले की प्राण तृप्त हुए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन है। तो इसमें रेखांकित शब्द का वचन कौन सा हो जाएगा कि आपके ओठ खुले की प्राण तृप्त हुए। तो प्राण एक वचन है कि बहुवचन है? तो प्राण है ये बहुवचन है। कौन सा? प्राण है ये बहुवचन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अपयश में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बताइए अपयश में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अपयश में उपसर्ग होता है अप। कौन सा अप होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ये आपको बताना है। तो कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है क्रिया में और धातु में। कहाँ? क्रिया और धातु में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक की पहचान कीजिए, तो आपको बताना है कि इनमें किस में अशुद्ध वाक्य है। किस में अशुद्ध वाक्य है?
पढ़ लीजिएगा और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो है यह है काम आप पर निर्भर करता है, तो ये अशुद्ध लिखा, कौन सा ये अशुद्ध लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बसाव किसकी पर्यायवाची है, तो किसकी पर्यायवाची है बसाव, ये आपको बताना है। तो बसाव है ये पर्यायवाची है इंद्र की, किसकी, इंद्र की पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा है वो नौका का पर्यायवाची नहीं है, तो तरणी तरी डोंगे ये नौका के पर्यायवाची हैं, जबकि दारा, कौन सा दारा है ये नौका का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा उद्धत का विपरीतार्थक शब्द है, तो बताइएगा कि उद्धक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा या विपरीत अर्थक शब्द, तो इसका विपरीत अर्थक शब्द हो जाएगा उद्धत का विनीत, क्या विनीत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनिल अनल शब्द का सही अर्थ है, तो इसका आपको सही अर्थ बताना अनिल अनल का, तो इसका सही अर्थ होता है पहला वाला जो अनिल है इसका अर्थ होता है हवा, जबकि दूसरा वाला अनिल है इसका अर्थ होता है आग, तो हवा आग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अनुभव के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं अनुभव के, तो अनुभव के भेद होते हैं चार, कितने चार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने की आज ही जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों।